डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर का मैथ एक्सरसाइज नंबर सिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम एंड फाइंड देयर सम। क्वेश्चन नंबर नाइन दिया है 123,574, 63,312, फिर दिया है 2003। हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर नाइन में सबसे पहले कॉलम बनाना है, कॉलम बना के फिर क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद उसे प्लस करना है। आइए क्वेश्चन नंबर नाइन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, पहले कॉलम बना लेते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक। अब क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन हमारा है 123,574, फिर नेक्स्ट नंबर दिया है 63,312, फिर नेक्स्ट नंबर दिया है 2003। हमें क्या करना है, इसे प्लस करना है, ठीक। प्लस करते हैं सबसे पहले वन के कॉलम से, तो प्लस करते हैं, दिया है वन कॉलम में दिया है 4 + 2 + 3, तो 4 + 2 = 6, 6 + 3 = 9। वन के कॉलम को हमने प्लस कर लिया, अब टेन के कॉलम को प्लस करेंगे, 7 + 1 = 8, 8 + 0 यहाँ पे होगा 8। टेन के कॉलम को भी सॉल्व कर लिया, अब 100 के कॉलम को सॉल्व करते हैं, 100 कॉलम को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जगह 5 + 3 = 8, 8 + 0 तो यहाँ पर 8 ही हुआ। 1000 के कॉलम को सॉल्व करेंगे, 3 + 3 = 6, 6 + 2 = 8। 10,000 कॉलम को प्लस करेंगे, 2 + 6 यहाँ पे होगा 8। लाख, लाख के कॉलम में बस 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर है 1,88,889, यही क्या हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 2,25,360, 42,407, 1,131, 101। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे, 2,25,360। नेक्स्ट नंबर फिर दिया है 42,407। नेक्स्ट नंबर है 1,131, फिर नेक्स्ट नंबर है 101। इसे हमको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक। तो इसे अब हम प्लस करते हैं, सबसे पहले वन के कॉलम को प्लस करते हैं, तो यहाँ पे 0, वन कॉलम में दिया है 0 + 7 + 1 + 1, तो 7 + 1 = 8, 8 + 1 = 9, यहाँ पे हो जाएगा 9। वन के कॉलम को सॉल्व कर लिया हमने, अब टेन के कॉलम को सॉल्व करेंगे, 6 + 0 + 3 + 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 + 3 = 9,
अब 100 के कॉलम को सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9। 1000 के कॉलम को हम प्लस करेंगे, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8। अब 10,000 कॉलम को हम प्लस करते हैं, 2 प्लस 4 ये हो जाएगा हमारा 6। लाख वाले कॉलम को आप प्लस करेंगे तो इसमें बस 2 ही दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर होगा 268,999। यही क्या है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 6,307 कॉमा 21,402 कॉमा 111,000 कॉमा 260। क्वेश्चन नंबर 11 को भी हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। ठीक, अब क्या करेंगे हम क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 6,307। नेक्स्ट नंबर दिया है 21,402। नेक्स्ट नंबर दिया है 1,11,000। नेक्स्ट नंबर दिया है 260। तो इसे क्या करना है, प्लस करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम प्लस कर लेते हैं। सबसे पहले 1 के कॉलम को प्लस किया जाता है, तो 1 के कॉलम में दिया है 7 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0, तो 7 प्लस 2 हो जाएगा 9। 10 के कॉलम में दिया है 6, मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6 दिया है तो इस क्या होगा, 6 होगा यहाँ पे। 100 के कॉलम में दिया है 3 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 2, तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9। और 1000 के कॉलम में दिया है 6 प्लस 1 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8। अब 10,000 कॉलम को हम प्लस करते हैं, 2 प्लस 1 3। लाख के कॉलम में 1 है, यहाँ पे हो जाएगा बना 1। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो जाएगा 1,38,969। यही क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 236,381 कॉमा 30,516 कॉमा 2,102 कॉमा 1,000। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम बनाते हैं। कॉलम हो जाएगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला नंबर दिया है 236,381। नेक्स्ट नंबर दिया है 30,516। नेक्स्ट नंबर दिया है 2,102। नेक्स्ट नंबर 1,000। हमें क्या करना है, इसे प्लस करना है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम सबसे पहले 1 वाला कॉलम प्लस करेंगे, जो 1 का कॉलम दिया है। 1 के कॉलम में नंबर दिया है 1 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 0, तो 1 प्लस 6 हो जाएगा 7, 7 प्लस 2 9, तो यहाँ पे होगा हमारा 9। अब 10 के कॉलम में दिया है 8 प्लस 1 9, यहाँ पे 0 तो
प्लस हो नहीं होगा नहीं, तो होगा 8 प्लस 1 9 ही होगा हमारा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9। 100 के कॉलम को प्लस करेंगे 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 1 9। 1000 के कॉलम को प्लस करते हैं हम 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9। 10,000 दिया है, इस कॉलम को हम प्लस करेंगे 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। लाख के जो लाख वाला कॉलम है उसको प्लस करेंगे, इसमें बस 2 ही दिया है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और आंसर हमारा हो जाएगा 2,69,999। क्वेश्चन नंबर 12 का ये हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 13, पहला नंबर दिया है इसमें 3,03,543। नेक्स्ट नंबर फिर दिया है 62,104। फिर नेक्स्ट नंबर दिया है 3,221। फिर नेक्स्ट नंबर है 121, नेक्स्ट नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखते हैं 3,03,543। नेक्स्ट नंबर है 62,104। फिर नेक्स्ट दिया है 3,221। नेक्स्ट नंबर दिया है 121। फिर नेक्स्ट नंबर दिया है 10। हमें क्या करना है, इसे प्लस करना है। तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 के कॉलम को प्लस करेंगे। 1 के कॉलम में दिया है 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9। हमने 1 के कॉलम को प्लस कर लिया, अब 10 के कॉलम को प्लस करेंगे। 10 के कॉलम को प्लस करने के लिए सबसे पहले 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9। अब 100 के कॉलम को प्लस करेंगे 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9। 1000 कॉलम को प्लस करेंगे 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8। 10,000 कॉलम को प्लस करेंगे 0 प्लस 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। लाख के कॉलम को प्लस करेंगे, इसमें बस 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा 3,68,999। यही क्या है हमारा आंसर। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हम आपको जितना भी क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं आप लोग इसे नोटबुक पर कंप्लीट करेंगे और इसमें आप लोग को जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए आप उसे दोबारा पूछ सकते हैं। आपका जो नोटबुक है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप लोग को ऐसे प्लस करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे ऐसे कॉलम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक, ऐसे लाइनिंग खींच लेंगे आप लोग।